जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं सुपर क्रिकेट। तो दोस्तों, टाटा आईपीएल 2023 का मिनी ऑक्शन समाप्त हो चुका है और बता दें कि चेन्नई सुपर किंग ने अपने स्क्वाड में 7 नए खिलाड़ी को शामिल किया है आईपीएल 2023 के लिए। तो दोस्तों, बात करें उन 7 खिलाड़ियों का कौन कौन से है और कितना उनका प्राइस है। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि बेन स्टोक, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग ने शामिल किया है आईपीएल 2023 के लिए, उनका प्राइस है जो कि 16,25,00,000 रुपए, जो कि आईपीएल 2023 में अब चेन्नई सुपर किंग से खेलते हुए नज़र आएंगे। वहीं दोस्तों, बात के दूसरे खिलाड़ी है अजिंक्य रहाणे। या दोस्तों, अजिंक्य रहाणे को चेन्नई सुपर किंग ने 50,00,000 रुपए दिया है आईपीएल 2023 के लिए। वहीं दोस्तों, बात के तीसरे खिलाड़ी का दोस्तों, वह है शेख रशीद। बता दें कि शेख रशीद एक इंडियन उभरते हुए खिलाड़ी है जिन्हें 20,00,000 रुपए देकर चेन्नई सुपर किंग ने शामिल किया है आईपीएल 2023 के लिए अपनी टीम में। वहीं दोस्तों, बात करें चौथे खिलाड़ी का तो दोस्तों, वह है निशांत संधु। या दोस्तों, बता दें कि निशांत संधु भी एक इंडियन खिलाड़ी है जिन्हें 60,00,000 रुपए देकर चेन्नई सुपर किंग ने शामिल किया है आईपीएल 2023 के लिए अपने स्क्वाड में। वहीं दोस्तों, बात करें पांचवें खिलाड़ी का तो दोस्तों, वह है काइली जेमिसन। या दोस्तों, काइली जेमिसन जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है जिन्हें 1,00,000 रुपए देकर आईपीएल 2023 के लिए चेन्नई सुपर किंग अपने स्क्वाड में शामिल किया है। वहीं दोस्तों, बात करें छठवें खिलाड़ी का तो दोस्तों, वह है भगत वर्मा, जो कि इंडियन खिलाड़ी है जिन्हें 20,00,000 रुपए देकर अपने टीम में शामिल किया है आईपीएल 2023 के लिए चेन्नई सुपर किंग। वहीं दोस्तों, सातवें और आखिरी खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों, वह है अजय मंडल। जी हां दोस्तों, अजय मंडल को 20,00,000 रुपए दिया है चेन्नई सुपर किंग आईपीएल 2023 के लिए। जी हां दोस्तों, यह है 7 ऐसे खिलाड़ी जिन्हें आईपीएल 2023 के स्क्वाड में आप देखेंगे चेन्नई सुपर किंग की तरफ से। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।